उज्जैन में कांग्रेस के सभी दावेदारों ने हाथ मिलाकर एकजुटता से चुनाव लड़ने और जीतने का संकल्प लिया है। सोमवार को शहर कांग्रेस कार्यालय पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक तथा मंडलम कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें टिकट के लिए दावेदारी कर रहे राजेंद्र वशिष्ठ, अजीत सिंह, देवव्रत यादव, कैलाश सोनी उम्मीदवार चेतना यादव के साथ मंच पर मौजूद थे। सभी ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। बिल्कुल निश्चित रूप से चुनावी का समय है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से अपना काम शुरू कर दिया है। सभी लोगों के मन में बड़े उत्साह है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदेश की गरीब जनता, बेरोजगार साथियों, धर्म के कई सारे सही काम के लिए, महाकाल मंदिर के शुल्क व्यवस्था को बंद कराना, ऐसे कई सारे काम हैं, उसके लिए सारे के सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं। ये चुनाव नहीं, एक आंदोलन है जिसके अंदर जनता के समस्त तकलीफों का निवारण करने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पे आ गई है। तो सारे साथी टिकट तक सब लोग मांग रहे थे, टिकट होने के बाद सब लोग एक साथ हैं। पूरी ताकत से अब लड़ा जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता सब एक मंच पर हैं। जी, पूरी ताकत से ही चुनाव होगा। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी साथियों का पूर्ण सहयोग और अपने अपने स्तर पे सारे लोग काम कर रहे हैं। दो दिनों तक लोगों के बीच जा रहे, किस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है? भाई साहब, शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की शिकायत, उज्जैन शहर में अव्यवस्थाओं की शिकायत। आप आश्चर्य करेंगे, इतने बड़े शहर में आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे इनके शौचालय काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा जाके, फिर उसके बाद देखिएगा कि आप इतने बड़े शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है। लोग कहते हैं यार, हमारी माताएं बहनें हमारे इसमें भेजते हैं तो हमको ठीक नहीं लगता है। अब तो और डर लगता है, 12 साल की बच्ची के साथ ही उज्जैन में बलात्कार होता है, 2.5 घंटे तक सड़क पर घूमती है। यहाँ के पारस जैन कुछ नहीं बोलते, मोहन यादव जी कुछ नहीं बोलते, हमारी माताओं बहनों को कैसे बाजार भेजें? ऐसा क्या सुरक्षित साधन है, बताओ आप। मेरा एक प्रश्न है, जिले में पहली बार कांग्रेस कोई नुकसान नहीं करती थी। ये तो सीधी सी बात है कि अपने अपनी त्रुटियाँ, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, कई बार वक्त की बातें भी होती हैं, और चुनाव में कोई कांग्रेस किसी कांग्रेसी का नुकसान नहीं करता। इस बार सभी लोग एक साथ मिलकर संकल्पित हैं। जब राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम करा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो राहुल जी की बात सभी लोग मान रहे हैं। हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद भाइयों में नहीं है, सब कांग्रेस का काम करेंगे। आप सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं जी। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।